भागलपुर में टीवी 9 की दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ और लगभग दो दशकों से बंद पड़े एकमात्र आयुर्वेदिक अस्पताल के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया। दरअसल जिले के नवगछिया अनुमंडल के खगड़ा गांव में मौजूद इलाके का इकलौता आयुर्वेदिक अस्पताल बैकुंठ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की सालों से जर्जर अवस्था थी। यह अस्पताल सालों से बंद पड़ा है। अस्पताल अपने तारनहार की बाट जो रहा था, जिसके बाद टीवी 9 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर सामने आने के बाद प्रशासन की नींद खुली और जीर्णोद्धार के काम का आदेश दे दिया गया। भागलपुर के DDC कुमार अनुराग के निर्देश पर कचरे में तब्दील अस्पताल परिसर की साफ सफाई शुरू हो गई। DDC ने बताया कि भवन जीर्णोद्धार के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने टीवी 9 का आभार जताया। हम लोगों के जनसंवाद कार्यक्रम में भी जब खगड़ा में हुआ था तो खगड़ा में ये आयुर्वेदिक अस्पताल की मैटर उठी थी, तो वहाँ पे एक जिला परिषद की ये परिसंपत्ति है जो जीर्ण अवस्था में है, तो उन्हें योजना के तौर पे इस अस्पताल को लिया गया है और उसी के आलोक में इसमें प्रशासनिक की स्वीकृति भी दे दी गई और टेक्निकल एस्टिमेट और सैंक्शन भी कर दिया गया है इस पर्टिकुलर योजना का और अविलंब इसे 2 से 3 दिन में वर्क ऑर्डर देते हुए जिला अभियंता द्वारा कार्य इसमें कराया जाएगा मरम्मती का। अब तो लग रहा है कि धीरे धीरे अस्पताल अपना जीवंत स्थिति में आएगी। इसके लिए हम टीवी 9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हैं। केवल हम ही नहीं, पूरे इलाका के तमाम लोग उनका आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार इस खबर को चलाया, जिसके माध्यम से आज DDC महोदय और जो संबंधित पदाधिकारी है उनकी नींद खुली और ये काम को उन्होंने स्टार्ट करवाया। अभी रिपेयरिंग वर्क चालू हो रहा है और जिला परिषद ने भी इस मत के लिए आवाज़ उठाया था, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने इस काम को चलाया। स्पेशली हम मीडिया ग्रुप टीवी 9 का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने लगातार इस काम को के लिए आवाज़ उठाया था। इसका परिणाम आज देख रहे हैं कि काम शुरुआत हुई है और आगे भी उम्मीद है यह काम अच्छे ढंग से होगी और यह अस्पताल फिर से अपने पुराने रूप में वापस लौटेगी। लगभग यहाँ से 2 जिलों को और लगभग 4-5 प्रखंड है जो सीधा सीधा लाभान्वित होगा। लगभग लाखों आबादी इससे सीधा सीधा लाभान्वित होगा इस अस्पताल के माध्यम से, क्योंकि वो जिस जगह पर यह अस्पताल है सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसपास यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। जाने के लिए 7 किलोमीटर दूर अनुमंडल अस्पताल, नहीं तो 17 किलोमीटर दूर भागलपुर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए। लेकिन अस्पताल को चालू हो जाने के बाद इलाके के लाखों लोग लाभान्वित होंगे, अपना इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 भारतवर्ष का। इस अस्पताल की स्थापना साल 1954 में खगड़ा निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने बेटे बैकुंठ प्रसाद सिंह के इलाज के अभाव में मौत के बाद अपनी 21 कट्ठा जमीन दान में देकर की थी, लेकिन पिछले 23 सालों से इसका संचालन नहीं हो पा रहा है और ये खंडहर में तब्दील हो रहा है। स्थानीय लोग लंबे वक्त से इस अस्पताल के लिए अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये आयुर्वेदिक अस्पताल जिस इलाके में है वहाँ सड़क दुर्घटना भी ज्यादा होती है और घायलों को अस्पताल ले जाने के क्रम में कई बार घायलों की मौत हो जाती है। ऐसे में अगर यहाँ ये अस्पताल दोबारा से सही हालत में आ जाए तो जनता के लिए काफी सुविधा हो जाएगी।